वेलकम बैक टू जागो लाहौर। मेहमान का भी तारुफ करवाते चलूं, हमारे पास सिंगर होंगे बिलाल बॉबी, उनको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बिलाल बॉबी। सबसे पहले तो जानेंगे कि आपका जो सिंगिंग करियर है कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले तो जी, जागो लाहौर की जितनी टीम है जी, आपका मैंने प्रोग्राम देखा माशाल्लाह, आपने बहुत कम अरसे में लाखों लोगों के दिलों में आपने जगह बड़ी आसानी से बना ली है। और हाँ, सवाल आपके कब से शौक है, ये हर इंसान, अल्लाह ताला ने हर इंसान को कोई ना कोई गॉड गिफ्टेड चीज़ दी होती है। तो अल्लाह ताला ने मुझे भी एक आवाज़ की शक्ल में चीज़ दी थी, तो ये बचपन से शौक है। जैसे सारे कहते हैं कि बचपन से शौक है, मुझे भी बचपन से शौक था ये गाने का। सही, ठीक हो गया। तो आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? आज आपने जो सुना, आपका कोई ट्रैक हम सुनते हैं जी। हाँ, एक मैंने राहत साहब का, राहत फतेह अली खान साहब का गाना है मेरे पास, वो आपको सुनाऊंगा। जरूर जरूर। आप हर पास बिलो साढ़े चर्चे बथेरे साढ़े पैरी हथ लादियां ने कुड़िया उसने जवानी दज करनी है मान सानू तेरे तो बथेरिया ने कुड़िया कुड़िया हर पास बिलो साढ़े चर्चे बथेरे साढ़े पैरी हथ लादियां ने कुड़िया 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 सानू वेख के मुख पर ताना तू साढ़े कोल विच शर्माना रख उसने तू अपना संभाल के हाले मापिया के पैसा के करनी है अच तेन फिक्र ना भी बाकी से गल का पार्टी पेंट तू पाके आके किले बिच आके मेरे वर गाना होर कोई जमदा हाले मापिया के पैसा के करनी है अच तेन फिक्र ना भी बाकी से गल का पार्टी पेंट तू पाके आके किले बिच आके मेरे वर गाना होर कोई जमदा गुड चढ़न च देर नहीं लगती रख उसन तू अपना संभाल के सन नक तू चढ़न दिए कुड़े रख उसन तू अपना संभाल के सन नक तू चढ़न दिए कुड़े नक तू चढ़न दिए कुड़े नक तू चढ़न दिए कुड़े तेरे नाल विवाह सी सौ गुण चिट्टी कुड़ी यारी होण जिहदे नाल लाइया तू भी होवेगी हैरान जिवें अंबरा तू कोई परी आईया तेरे नाल भी बासी सौ गुण चिट्टी कुड़ी यारी होण जिहदे नाल लाइया ओनू वेख भी तू भी होवेगी हैरान जिवें अंबरा तू कोई परी आईया मेरी जिंदगी नू रोशन ही करता मैनू हद वध चाहुंदी ऐ कुड़े रख उसन तू अपना संभाल के आपका अपना गाना था? ये मेरा अपना गाना। जबरदस्त जबरदस्त। तो कैसा फीडबैक रहा इस गाने का? इस गाने का माशाल्लाह अच्छा, ये मैंने अपनी मूवी में भी डाला हुआ है, मूवी एक बना रहा हूँ मैं उसमें।
उसमें भी ये अच्छा मूवी बना रहे हैं आप, आपका इससे भी यही फील है या डायरेक्शन से भी आपका है? एज अ डायरेक्टर भी हूँ उसके अंदर, मैं हीरो भी हूँ। अच्छा जबरदस्त, क्योंकि वो फिल्म मूवी है स्टूडेंट, मैंने एक स्टूडेंट की लाइफ दिखाई है उसमें। अच्छा, वो मैंने अपने ऊपर ही बनाई है वो। लवली 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 लवली, ठीक हो गया ठीक हो गया। चलें जनाब, अभी हम चूंकि बात कर रहे थे, सिंगर तो हमारे साथ है ही, लेकिन चूंकि अब दिसंबर आने वाला है और बल्कि कुछ ही दिनों में ये शादियों वाला जो सीजन है ये जोर पकड़ता चला जाएगा, और ऐसे में मेकअप ट्रेंड्स जो हैं आपके, मेकअप किस तरह का होना चाहिए किस तरह का नहीं होना चाहिए, इस सब पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। और हमारे पास उसका थोड़ा डेमो भी आपको देने की कोशिश करेंगे, टाइम हमारे पास कम, हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन कर लें। हमारे पास रुकाश सलून की ऑनर है और रुकाश ही इनका नाम है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग रुकाश, कैसी हैं आप? I'm very well, how are you? I'm good, रुकाश। सॉरी आपको थोड़ा हम लेट हो गई आप, और हम आपको ज्यादा उसकी तरफ नहीं लेके जाएंगे, हम जरा शादियों का सीजन में कहती हूँ दिसंबर वही जी जी है जी, तो सबसे पहले मैं रुकाश मैं नाम से प्रोनाउंस कर रही हूँ? नहीं, रुकाश रुकाश, ओके डन, क्योंकि जब आपका नाम को गलत प्रोनाउंस करता है बहुत आई कैन फील दैट, क्योंकि अर्मला को उर्मला या रुकाश, ठीक हो गया। रुकाश मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह के वेडिंग सीजन में ट्रेंड्स आ रहे हैं मेकअप के, किस तरह का मेकअप इन है, कौन सी चीज आउट हो चुकी है? आउट तो एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ही इन है। अच्छा, तो मगर ये आपको पता है हमारी पाकिस्तानी ब्राइड्स का बहुत होता है कि दे वांट टू वेयर रेड, तो रेड से इतने ऑब्सेस्ड होते हैं, तो क्या होता है कि सबको होता है कि हमारी ग्लिटरी आईज कर दें और रेड कर दें हमें। तो मुझे जो पसंद है वो ये है कि थोड़ा डिफरेंट, जिसमें आप इंडिया में देख रहे हैं, लास्ट टाइम आई वाज ऑन योर शो उस वक्त अनुष्का की शादी थी, एंड दिस टाइम इस वक्त दीपिका की शादी है, वो बिल्कुल न्यूड सा है, बिल्कुल बिल्कुल, आप उनको देखें डिफरेंट कलर्स होंगे, नथिंग इज रिपीटेटिव, व्हाटएवर यू लाइक यू वेयर, यहाँ पे एक ट्रेडिशनल सेट हुआ है कि रेड एंड डार्क कलर्स, ठीक हो गया। सो एनीवेज सब कुछ ही इन है, लाइक आई सेड आपको डिपेंड करता है कि व्हाट यू प्रेफर, डार्क बर्गंडीज, अ लॉट ऑफ बर्गंडीज आर इन दीस डेज बिकॉज इट्स विंटर्स एंड यू कैन गेट अवे विद वेयरिंग डार्क कलर्स, आप मरून रेड, सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ कलर्स आर इन, स्मोकी आईज, न्यूड आईज, और इसके साथ थोड़ा अगर आपकी आंखें डार्क है तो लाइट लिप कलर, अगर बोथ लुक गुड एक्चुअली, डिपेंड्स आप कैसे काम करते हैं, ठीक है, तो डार्क के साथ डार्क भी बहुत हसीन लगता है, डार्क के साथ लाइट भी अच्छा लगता है, या तो हर कुछ ही अच्छा, और आपको पता है आजकल अवेयरनेस इतनी हो गई है तो सब लोग जो है वो ट्यूटोरियल्स नहीं आपको बिल्कुल ज्यादा, हर बंदे को मेकअप आर्टिस्ट बना दिया, हर कोई अपने को सबको शौक हो गया बहुत ज्यादा, तो ये अच्छा है कि आपको पता है कि क्या चीज अच्छी है, वरना पहले तो कुछ भी कर देते थे और लोग कहते थे कि हाँ जी बस सही हो गया, सही हो गया, तो ये कि अब लड़कियों को भी होता है कि नहीं हमें ऐसे करें हमें वैसे करें, बट इन द एंड ऑफ द डे मेकअप आर्टिस्ट का काम होता है कि आपको बताए सही गाइड करे, बिल्कुल। अच्छा रुकश, आपका सैलून कहाँ पे है, मैं खुद भी जानना चाहूंगी और अपने देखने वालों को। जरूर जरूर, मेरा सैलून एम आलम के ऊपर है, ठीक है, तो हमने वहाँ पे खोला कि सेंट्रली लोकेटेड हो सबके लिए, इट्स रुकश सैलून, रुकश सैलून जी, लवली लवली। तो अभी वेडिंग सीजन आ रहा है, जो कि अब हर एक डे पे बकायदा तौर पर तैयारी होती है, सिर्फ बारात पे नहीं होती, अब मेहंदी पे भी उसी तरीके बहुत ज्यादा लोग बहुत हेडू बनाते हैं मेहंदियों के ऊपर। पहले क्या होता था, मेहंदियों में कहते थे हमें टच भी मत करें, अभी भी देयर आर सर्टेन ब्राइड्स कुछ भी नहीं लगाती थी, एक्चुअली नहाती नहीं थी कई दिन वो कहते थे कि बिल्कुल ही एक टोटल लुक चेंज हो, बट ये कि ऑब्वियसली फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सब कुछ होता है, तो लोगों को होता है कि वी नीड लाइक यू नो पॉलिश्ड लुक एज़ वेल, तो सब कुछ ही होता है बट लाइटर होता है मेहंदियों पे, तो वो भी बड़ा बहुत अच्छा लगता है, एक्चुअली आई प्रेफर लाइटर लुक्स मायसेल्फ, और वैसे मुझे लगता है वैसे ग्रेसफुल भी बहुत ज्यादा, आपका मेकअप वो होना चाहिए जिसमें आपके अपने फीचर्स हैं, ना कि आपकी शक्ल बदलता है, लोग समझते हैं कि अगर आपकी शक्ल बदल गई ना मेकअप से तो बड़ा कमाल हुआ, हालांकि आपके अपने फीचर्स हैं। एब्सोल्युटली, देयर टू काइंड ऑफ पीपल, वन हु वांट टू लुक कंप्लीटली डिफरेंट ऑन देयर वेडिंग, एंड द अदर्स हु के कि हमें ज्यादा मत बदले, हम जैसे हमें ऐसे ही रहने दे, हमें ऐसे ही रहने दे। मैंने बहुत सारी ब्राइड्स लुक्स देखी है जो बहुत लाइट सा मेकअप करके अपने ब्राइड बिग डे पर वो बैठी होती है, बहुत देयर वेरी सैटिस्फाइड, जी जी, वो बहुत थोड़ी होती हैं एक्चुअली ज्यादातर सबको होता है कि हमें कहते हैं कि हमें थोड़ा करो, पर जब थोड़ा होता है तो वो बहुत थोड़ा फिर थोड़ा लगता है, क्योंकि इतना हैवी गेटअप होता है ना, आपकी ज्वेलरी हैवी, जोड़ा हैवी, उसपे वो बहुत ज्यादा लाइट, लेकिन आएगी सभी ताजी ताजी शादी हुई है दीपिका की, तो वो थोड़ा फीवर रहेगा, अनुष्का के बाद भी बहुत सारी ब्राइड्स को वो फीवर रहा कि हमने उसके जैसा लगना है। वो फूलों का बहुत ट्रेंड आया था बालों में कि बस बालों को भर दो फूलों के साथ, क्योंकि उसका ज्यादा वही था, मेकअप कम था, बालों में फूल बहुत ज्यादा, फूल बहुत ज्यादा थे। अच्छा रुकश, हम उधर चलते हैं थोड़ा सा, एक हल्का सा, क्योंकि मेरे पास टाइम कम होगा लेकिन कोशिश करेंगे मैक्सिमम उसको कर दें। जनाब हम उधर जा रहे हैं,
और हमारे पास मॉडल भी हैं, हम इन पे रुकस से पूछते हैं किस तरह का मेकअप करेंगी, क्योंकि जिस तरह हमने सोचा कि दीपिका की ही शादी आजकल इन है, तो हमने मैंने सोचा कि उसी तरह का थोड़ा आपको लुक देंगे, ऑलरेडी इनकी रेड लिपस्टिक लगी है तो वो इसको रिमूव करनी पड़ेगी हमें, लेकिन उसके अलावा मैं आपको आई से स्टार्ट करती हूँ. ठीक हो गया, ठीक हो गया. सो इनकी आई से भी कुछ भी करने से पहले आपको हर चीज प्रिपरेशन करनी है. आप ऐसे ही पकड़ के आई शेडो लगा लेंगे उसका रंग नहीं आएगा. आप कुछ भी ऐसे ही शुरू कर देंगे उसका कुछ नहीं होगा अनलेस आप पहले से प्रिपेयर करें. तो हम क्या करें, हम कंसीलर से प्रिपेयर करें बिकॉज इनकी फाउंडेशन लगी हुई है. ठीक है. अच्छा, प्राइमर्स और ये सारी चीजें कितनी ज्यादा आप जरूरी हो गई है मेकअप सेट करने के लिए, क्योंकि पहले तो ऑलरेडी जब हम पहले करते होते थे रुकश तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर देते थे. प्राइमर सही नहीं होता था ना आपका, फिर रंग उड़ जाता है, आपका कलर सही शो नहीं होते. मेनली क्या होता है प्राइमर का कि आपने कोई भी रंग लगाना है तो वो नजर आए. सही सही. और ये कि शुरू इम्पोर्टेंट तो शुरू से, मगर कुछ उस वक्त पहले कम लोगों को पता था. अब सबको पता, अब सबको पता चल चुका है. बिल्कुल, अब सबको पता है प्राइमर क्या. पहले होता था कि है क्या चीज. सही हो गया, ठीक हो गया. अच्छा, इनकी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली किस तरह की बेस हम लगाएंगे इनको आज? एक सेकेंड जी, इनकी स्किन टोन थोड़ी सी ड्राई है, सो वी विल गो फॉर समथिंग वाटर बेस्ड. ठीक हो गया. वी विल नॉट गो फॉर ऑयल बेस्ड बिकॉज उससे ये क्या होगा, इनकी स्किन और ज्यादा जो है ना वो फिर सिबम प्रोड्यूस करेगी और ज्यादा प्रोमिनेंट होगी. तो वाटर बेस्ड में क्या होता है कि आपका सब कुछ मतलब जैसी स्किन है अंदर ब्लेंड हो जाएगी, उसको खराब भी नहीं करेगा. सो वी शुड ट्राई टू अवॉइड ऑयल्स इन द प्रोडक्ट. अच्छा, प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आपके, कि आप किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं. और आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो मेक श्योर आपकी अपनी शादी वाले दिन या शादी से पहले भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अपने चेहरे पे खुद से अगर आप करें तो भी करें, क्योंकि बहुत रिस्की काम हो जाता है. मैंने बहुत सारी खवातीन ऐसी भी देखी हैं जो बेचारी शादी वाले दिन बहुत परेशान हो जाती है. अच्छा रुकश, आपके साथ ये होता है कि कोई आता है अपनी शादी पर तैयार होने के लिए, एक ब्राइड की पिक्चर आपको दिखा देते हैं, लो भाई मैंने बिल्कुल इसके जैसा लगना है. नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ. वैसे नहीं हुआ वैसे, यू आर लकी इनफ. आई थिंक मैं जल्दी में अपनी चीजें भी भूल आई हूं, कोई मसला नहीं है. आप करो जो अवेलेबल है उस पे हम कर लेते हैं. अच्छा, किस तरह की आईज कर रही हैं? हम अच्छा मैंने बताया कि हम दीपिका वाला करेंगे, मगर क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और अभी बस मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि क्या है. ब्रॉन्ज में हम जा रहे हैं, ब्राउन टोन्स में. आपने दीपिका की जो सबसे ज्यादा फेमस लुक हुई है उसमें शी इज वेयरिंग न्यूड लिप्स, सॉर्ट ऑफ लाइक ब्राउन एंड न्यूड, एंड हर आईज आर वेरी ब्रॉन्जी. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू. इंस्टेड ऑफ के ब्लैक करें, लाइनर करें, we are going to play with brown. अच्छा गाइज, मैं आपको ये भी बता दूं, जो मैं देख रही हूँ रुकश का सैलून पे, मैं इनका आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज चेक करेंगे, आपको इतने जबरदस्त हेयर डू और इतना जबरदस्त आई मेकअप देखने को मिलता है. अब मेरा इनसे चूंकि अब काफी दिनों बाद इंटरेक्शन हुआ है, लेकिन मैं इनका इंस्टाग्राम पेज जो है वो विजिट करती रहती हूँ और उस पर इतने जबरदस्त हेयर डू होते हैं. आप जरूर रुकश सैलून को चेक करें. और रुकश खुद भी बहुत अच्छा मेकअप करती है, क्योंकि इनका मेकअप मैं आप करीब से देख सकती हूँ. थैंक यू सो मच. हमारा क्या होता है कि आप जिस तरह एक लोग बना लेते हैं, एंड दैट दे कॉल इट सिग्नेचर लुक. और वो सिग्नेचर लुक क्या होती है, वो सब पे वही करी जाते हैं बिकॉज इट सेव्स देम टाइम. एग्जैक्टली. तो व्हाट वी डू इज वी डू बेस्पोक लुक्स, जिसमें के क्लाइंट के अकॉर्डिंगली होता है. एक लुक सबके ऊपर हम नहीं करते. और कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो पता लग जाता है ये फलाने सलोन से तैयार हुई है, इसकी वो लुक है. काश ने बहुत रुकश ने बहुत एक जो कह ले न्यूड से लुक दी है, और इनकी लिपस्टिक अगर रिमूव हो जाएगी रेड तो ये बिल्कुल एक दीपिका वाली लुक बन जाएगी. रुकाश थैंक यू वेरी मच. रुकाश बहुत शुक्रिया आपका भी. आई विश के मेरे पास और टाइम होता, लेकिन इंशाल्लाह हम डेफिनेटली चूंकि वेडिंग सीजन शुरू हो जाएगा मजीद भी शोज प्लान करेंगे. अभी हम आपसे इजाजत लेंगे और आपसे मुलाकात होगी हमारी कल. हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा हमारे फेसबुक पेज पर. और आज का शो अगर आपने मिस किया तो शाम 5 बजे रात 1 बजे रिपीट भी होगा. कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़.